बिहार के पुलिस मुखिया को आपने फायरिंग करते हुए कम ही देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। इंसास राइफल से एक दो या तीन नहीं बल्कि पूरी पांच गोलियां इन्होंने दाग दी। दरअसल 10 फरवरी से रोहतास में ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन होने वाला है और इस कंपटीशन की तैयारी का जायजा लेने खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे। उन्होंने फायरिंग रेंज का निरीक्षण किया, इसके बाद खुद राइफल से निशाना लगाया। इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि डीजीपी की पांच में से तीन गोलियां सटी निशाने पर लगी। डीजीपी की दो गोलियां निशाने से चूक गई। इस दौरान बिहार पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रोहतास में राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन आयोजित किया जाना है, जिसमें देश के 30 से ज्यादा पुलिस टीमें भाग लेंगी। इस दौरान कई प्रकार के कंपटीशन होंगे। तैयारी का जायजा लेने के दौरान डीजीपी ने खुद फायरिंग कर इसकी शुरुआत की। न्यूज़ डेस्क।